हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है ये कबाड़ कैसा बनाते हैं। मैं आज आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा दिखा दूंगा। जैसा कि एक कबाड़ बनाया, इसके अंदर रॉड कितने डालना, कितना एमएम का बार यूज़ करना इसके अंदर, और कैसा इसको प्लेस करना चाहिए, शुरू से अंत तक सब कुछ दिखा दूंगा ए टू जेड। बने रहिए वीडियो में पूरा अंत तक, और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, इतना शेयर कर दे ताकि किसी को और इन फ्यूचर में डाउट ही ना हो सके। ओके, लेट्स सी। जैसा मैं बताया था ना आपको, पहले क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं ब्लू कलर से, ऐसे मार्किंग करते हैं जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे मार्किंग करना चाहिए। पूरा फ्रेम बनाते हैं फर्स्ट। ओके, ये फ्रेम बनाते हैं इस तरह का। फ्रेम बनाने के बाद नेक्स्ट आता है ड्रिल करते हैं। ड्रिल करीब करीब ये आप होल देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको होल दिख रहा है ना, करीब एक से डेढ़ इंच तक ड्रिल करते हैं इसको, और यहाँ पे भी ड्रिल करते हैं। थोड़ा एक छत है ना, इसकी वजह से थोड़ा कम करते हैं यहाँ पे ड्रिल। और रॉड का साइज़ यहाँ पे दो टाइप के रॉड्स हैं, एक 6 mm का, एक 8 mm का। तो 8 mm का रॉड यूज़ करते हैं यहाँ पे, और जो रॉड आप देखे हैं ना इस तरह का रहता है, 6 mm रॉड है। इसको भी रिब्स मिलते हैं हमारे यहाँ साइड, बहुत सारे लोग बोलते हैं 8 mm का है, बट ये 6 mm का रॉड है। ओके, 8 mm और 6 mm बहुत कम डिफरेंस रहता है, और कटिंग वो मशीन रहता है उससे कट करते हैं। ओके, ये पूरा फ्रेम हो गया। फ्रेम होने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके कबूतर जाली, ये कबूतर जाली मिलता है आपको, ठीक है ना, इस वाला कबूतर जाली सभी पे प्लेस करते हैं। जहाँ जहाँ पे भी ड्रिल मारे हैं, करीब एक 7-7, 7-8 इंच पे दूरी पे मारते हैं ये। करीब यहाँ से यहाँ तक एक 6 इंच है, 6 इंच, 6 इंच, 18 इंच का टोटल बन जाएगा। फिर 2 फीट का लेते हैं कहीं कबाड़, ये हो गया। फिर उसके बाद कबूतर जाली बिठाते हैं, और ये कबूतर जाली। ओके फ्रेंड्स, ये है कबूतर जाली, यहाँ देख सकते हैं कोने पे थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, यहाँ पे प्लास्टरिंग में कवर हो जाएगा। ये वाइंडिंग वायर ये इसको पूरा जॉइंट करते हैं वाइंडिंग वायर से, एंड ये रॉड बाइंड हो जाता है। तो पूरे 6 mm का रॉड है ऐसा। जाली बिठाते हैं इस तरह का, अभी आपको दिखा दूंगा इसको बिठाने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से बिठाते हैं। बिठाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूंगा, ये मसाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एक इसका क्वांटिटी कितना है, मसाला में क्या करते हैं वो 1:4 या फिर 1:5, एक सीमेंट का एक टोकरा सीमेंट रहा तो 4 या फिर 5 आप ले सकते हैं, 4-5 टोकरा जो है रेत रहेगा मसाला का मिक्सिंग। फिर प्लेसिंग करते हैं ऐसा, तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से बिठाना चाहिए। इसको बोलते हैं पाटा, अंदर कुछ भी नहीं, प्लास्टिक रहता, सॉरी वुडन रहता, वुडन का प्लैंक रहता, वुडन प्लैंक, उसको सीमेंट का थैला कवरअप करेंगे। बस इस तरह से उनका असिस्टेंट जो है वहाँ से होल्ड करते हैं, एंड एक्सपर्ट जो है वहाँ से लगाते हैं इस तरह का। देख सकते हैं आप, जैसा आप गिलावा करते हैं ना उसी तरह का।
इसको करीब 2-3-4 दिनों तक इसी तरह रखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस रहता सीमेंट अप्लाई करना। इनके असिस्टेंट आहिस्ता निकालते हैं, फिर ऊपर बिठाते हैं। तो यही प्रोसेस है सभी किचन शेल्व्स रहने दो या फिर वार्डरोब कबाड़ कुछ भी बनाना है समझो, ये एक सेम प्रोसेस आप अप्लाई करना, सीमेंट लगाना, फिर वो सब करना। तो इसको ये जो है ना अभी घट होने में काफ़ी टाइम लगता है, कई 2-3 दिन में इसको रखना है। उसके बाद प्लास्टरिंग करना, जब आप 2-3 दिनों के होने के बाद ऐसा घट हो जाता है, ओके, काफ़ी हार्ड हो जाता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है को सपोर्टिंग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसा होने के बाद इसके ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं। प्लास्टरिंग होने के बाद इतना मस्त दिखता है। प्लास्टरिंग हुआ उसके बाद ऐसा दिखता है। ये बिना प्लास्टरिंग के इस तरह से करीब आई थिंक 2-3 दिन पहले करे हैं, ये भी वर्क सपोर्ट दिया गया है इसको, क्यों बोले तो वज़न एंड ये काम कब करना, दीवार का प्लास्टरिंग होने के बाद ये काम कर सकते हैं। बाद में क्या होता है बोले तो इसके अंदर अगर ये मान लीजिए ये है, इसके बाद वो उसका प्लास्टरिंग करने में काफ़ी दिक्कत होता है उसकी वजह से। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो, आई थिंक बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हैव अ ग्रेट डे।